बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें स्ट्रेस होता है, समझ में नहीं आता कि उसे हैंडल कैसे करें। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अंजलि आपके साथ माय एफएम पर। आप सुन रहे हैं माय वेलनेस शो, वी टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ एंड वेलनेस। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तब लगता है जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि समझ ही नहीं आता वॉट टू डू नेक्स्ट। इसके बारे में बात करेंगे हमारे साथ में रिनाउंड लाइफ कोच डॉक्टर मनीषा गौड़। तो जब भी कोई संघर्ष आता है, जब भी कोई समस्या आती है, तो मायूस होने के बजाय सोचें कि समय क्या सिखाना चाहता है। शायद कुछ लर्निंग रह गई जिसके लिए ये संघर्ष का समय आया है, और ये सोचें कि अच्छा समय बस आने ही वाला है। यदि आप हर परिस्थितियों का सामना सकारात्मकता से करेंगे तो तनाव कभी आएगा ही नहीं। अपने काम करने की मेज या पढ़ने वाली टेबल बिल्कुल साफ रखें। पेपर, फाइल्स, बुकशेल्फ, कपड़ों की अलमारी सब व्यवस्थित रखें। अपनी क्षमताओं का एनालिसिस करके ही किसी काम की जिम्मेदारी लें। मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में ऐसा न हो कि आप कहीं भी अपना 100% न लगा पाएं। एग्जैक्टली, तो बेसिक मोटिव ये है कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में आप बहुत सारा बर्डन ले लेते हैं जिसके कारण स्ट्रेस होता है। सो मेक श्योर टू से नो, ना कहना बहुत सारी सिचुएशंस में ज़रूरी होता है, जो कि आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट नहीं करता है और लाइफ को सॉर्टेड बना के भी रखता है। मैं अंजलि आपके साथ हूँ माय एफएम पर, आप सुन रहे थे माय वेलनेस शो। चलो आज कुछ अच्छा सुनते। सो अब से कुछ देर पहले हमने बात करी कि ब्रीद इन ब्रीद आउट एक प्रैक्टिस होती है जिससे आप स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद का सेल्फ मोटिवेशन जानना, जो कि आपको स्ट्रेस से दूर करने में मदद करता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बात करेंगे माय एफएम पर, माय वेलनेस शो पर। मैं अंजलि आपके साथ हूँ। गुड मॉर्निंग, हमारे साथ में लाइफ कोच डॉक्टर मनीषा गौड़। और प्लीज़ सजेस्ट करें कि हम अपने आप से अपने स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस चिंता को, इस तनाव को अपने आप से दूर रखने के क्या तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, सचेत रहें। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। किस विचार को, किस प्रश्न को, किस व्यक्ति को, किस रिश्ते को, कितना समय वो कितनी एनर्जी देना है, यह अगर आप तय कर पाएं तो तनाव कभी होगा ही नहीं। नंबर टू, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें। कोई भी काम शुरू करूं या ना करूं, होगा या नहीं होगा, ठीक है या नहीं है, बोलूं या चुप रहूं, सुनूं या ना सुनूं, जितने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगे उतना ज़्यादा तनाव होगा। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है कन्फ्यूजन की, कागज़ पेन लें, लिखना शुरू करें, अल्टरनेट्स ढूंढें और एक जो सबसे बेहतर विकल्प मिले उसे तय करें और निर्णय लेकर उस पर काम करें। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो हमें तब होता है जब हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं लाइफ में। तो वो सिचुएशन को तो आई एम श्योर इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट किया जा सकता है। मैं अंजलि आपके साथ हूँ माय एफएम पर, आप सुन रहे हैं माय वेलनेस शो। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।